हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि केयर कैम के वाईफाई कैमरे को। यहाँ पर स्पेशली मेरे पास है QTH मॉडल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मॉडल का तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ़ोन में और PC में कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये मेथड सभी केयर कैम के कैमरों पे अप्लाई होगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के और भी बहुत सारे कंटेंट लेकर आता रहता हूँ, तो आपको इस चैनल पर आने पर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इसको निकाल के एक बार ऑन कर लेता हूँ, आपने भी यही करना है। सबसे पहले तो कैमरे को ऑन करना है, क्योंकि अगर कैमरा ऑन नहीं होगा तो वो कनेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैमरे को एक बार ऑन कर लेते हैं। अडैप्टर इसका बॉक्स के अंदर ही आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो ठीक है। इसको यहाँ पर अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन होने पर आप देख सकते हैं ये ब्लिंक करता है, इसकी एक जो व्हाइट लाइट LEDs हैं वो ऑन होंगी। ऑन होने पर आपको उससे पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुका है, ठीक है। थोड़ा देर वेट करने के बाद आपको कैमरा ऑन हो जाएगा और कुछ साउंड भी इसमें से आपको सुनाई देने लगेगी। बेसिकली वेलकम टू यूज ये यहाँ पर बोलता है, ठीक है। तो आपका कैमरा किसी भी मोड में चल रहा है, चाहे वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्ट है या किसी भी मोड पे कनेक्ट है, तो आप सबसे पहले उसको रीसेट कर ले। रीसेट करने का सिंपल तरीका है, आप इसका जो हेड है उसको आप ऊपर को करेंगे तो आपको यहाँ पर रीसेट का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रीसेट का एक बटन है, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर प्रेस करके रखना, कुछ सेकेंड आप प्रेस करके रखेंगे तो इस टाइप की एक साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है कि ये रीसेट हो चुका है। अभी ये इस तरह देखिए, ये लाइट इसमें ऑन होगी, यानी कि फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये एज अ डिफॉल्ट जो है ओपन होगा, जैसे आपने नया पीस बॉक्स से निकाला है उस तरीके से ये बिल्कुल अभी चालू होगा, ठीक है। और वेलकम टू यूज़ बोलने के बाद में ये रोटेट होकर के अपना एक डेमो जो है दिखाता है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोन पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, केयर कैम प्रो के नाम से आ जाएगी। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको केयर कैम प्रो यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केयर कैम प्रो, मैं अगर आपको दिखा दूं तो केयर कैम प्रो एप्लीकेशन दिख रही होगी। ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना होगा इसमें साइन अप करना होगा। तो यहां पर आप साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करने का बहुत ईजी तरीका मिल जाता है आपको। अगर मैं इसको एक बार लॉग आउट कर दूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इस टाइप से आपको स्क्रीन एक दिखेगी, उस पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ जा करके आप सिंपल गूगल के माध्यम से भी यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल जीमेल का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेटअप कर देगा। जो भी आपकी मेल आईडी ऑलरेडी वहाँ पे फ़ोन में चल रही होगी उससे ऑटोमेटिक वो जो है सेटअप कर देगा। इनकेस आप उससे नहीं करना चाहते तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर और ईमेल, तो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर या ईमेल किसी भी तरीके से इसको साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद फ़ोन नंबर या ईमेल जो भी आपने डाला होगा वहाँ पर वेरिफिकेशन कोड OTP आएगा, वो आपने डाल करके इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट करने के बाद में आपको इसमें साइन लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन आपने जो भी फ़ोन नंबर या ईमेल डाला वो डाल के उसका पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल अगर ये जीमेल से ही कर देता हूँ, जो कि मैंने जीमेल जो भी डाल रखी है मैं उससे कर देता हूँ। तो ये लो, इस तरीके से आप सिंपल कर सकते हो। देखिए जीमेल से करने का कितना ईजी है, बस हो गया विद इन सम 2-3 सेकेंड, ऐसा ये हो गया, इतने सेकेंड्स में हो चुका है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, कैमरा आपका यहाँ पर ऑन हो चुका है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये प्लस का जो साइन है यहाँ पर जाना है या यहाँ पर ऊपर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐड डिवाइस का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐड डिवाइस, यहाँ पर आपने जाना है। तो ये ऐड डिवाइस का ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कुछ कैमरा, जैसे वाईफाई कैमरा, 4G कैमरा, बैटरी कैमरा और नीचे बेल वगैरह सब दिया गया। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वाईफाई कैमरा, इस पर जाना है क्योंकि ये आपका वाईफाई कैमरा है। उसके बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आएगा पेयर बाय QR कोड, पेयर बाय AP कनेक्शन, सर्च इन लैन। तो बड़ा ही सिंपल है, आप यहाँ पर पेयर बाय QR कोड भी जा सकते हैं। मैं आपको और भी तरीके जो है तीनों तरीके से करके दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम पहले ऊपर वाले जो है ऑप्शन से करके देख लेते हैं पेयर बाय QR कोड। लेकिन
चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से होता है। पेयर बाय क्यूआर कोड यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा, कंफर्म दैट द डिवाइस इंडिकेटर फ्लैशेस स्लोली और देयर इज अ डिवाइस प्रॉम्प्ट ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिकेटर फ्लैशेस स्लोली, पर यहाँ पर कोई फ्लैश स्लोली नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके वाईफाई का जो है नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर मेरे वाईफाई का नाम शो हो गया और यहाँ पर ये नोट जो है एक आया है, जो कि एक वार्निंग समझ लो कि इफ़ योर वाईफाई इज़ 5 GHz प्लीज सेट इट टू बी 2.4 GHz बाय टैपिंग चेंज। यानी कि 5 GHz पे ये वर्क नहीं करता है और ये 2.4 GHz पे वर्क करेगा। तो आपको वो याद रखना है कि 2.4 GHz पर ही होना चाहिए। तो वो आपने सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपने वाईफाई का पासवर्ड जो है डाल देना है। तो मैं एक बार पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल लिया है और मैं इसको नेक्स्ट का स्टेप जो है वो कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर एक बार कोड शो होगा, आपने क्या करना है उस बार कोड को कैमरे को शो करना है। इस तरीके से बार कोड शो करना होगा। तो ये एक साउंड आई है कि बार कोड शो हो गया है, इस टाइप की एक आपको जो है टोन सुनाई देगी। इसके बाद में आपने कर देना है आई हेयर्ड ए प्रॉम्प्ट। इसके बाद में आपने वेट यहाँ पर कर लेना है। तो बस कैमरे ने फटाफट बोल दिया ओके। आप इंश्योर कर लेंगे जो आपने पासवर्ड डाला है वो 100% करेक्ट है, अगर करेक्ट नहीं होगा तो कैमरा कनेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैमरा कनेक्ट हो गया। ये नाम पूछ रहा है कि कोई डिफॉल्ट नेम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, या कोई कस्टमाइज नेम भी डाल सकते हो। मैं डाल देता हूँ, सपोज़ मैं ऑफिस यहाँ पर डाल देता हूँ। और नीचे जो टाइमिंग है आप चेक कर लें, इंडिया कोलकाता, यानी कि आप इंडिया के हैं या जहाँ के भी हैं वहाँ का आपने टाइम जो है टाइम जोन डाल देना है। तो ये डल चुका है, यहाँ डन कर देते हैं। डन करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कैमरा है ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। तो ये प्रोसेस है पूरा कि किस तरीके से आप अपने कैमरे को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आज हम यही बात कर रहे हैं कि कैमरे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ कनेक्शन ही आपको दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा इसका डेमो वगैरह नहीं दिखाऊंगा क्या कुछ इसमें होता है। बाकी जो बेसिक फंक्शन है, एक नेविगेशन ऑप्शन ये मैं दिखा देता हूँ, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये सारा ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अगर इसके यूजर इंटरफेस की बात करूँ तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा, चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया हमारे पीसी में। अब इसमें इसी वीडियो से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि अगर आपने एक फोन में चला लिया, अगर आप एक से ज्यादा फोन में चलाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको शेयर कर सकते हैं। ये पॉइंट जरूर आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो शेयर करने का ऑप्शन बहुत ही यहाँ पर इजी मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शेयर डिवाइस। तो ये शेयर डिवाइस पे आपको जाना है और यहाँ पर आपने शेयर कैमरा विद योर फैमिली, तो आपने यहाँ पर शेयर कर देना। शेयर करने का भी दो मेथड आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक मिल जाएगा शेयर कैमरा एक्सेस विद क्यूआर कोड, शेयर विद केयर कैम अकाउंट। तो यहाँ पर केयर कैम अकाउंट पे आप जा सकते हैं और दूसरे जिस भी फ़ोन में आपको चलाना है, दूसरे फ़ोन में, वहाँ पर आपको ये केयर कैम की एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर करवानी है और वहाँ पे साइन अप उसको करवा देना है, लॉग इन करवा देना है। उसके बाद में आप उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर डाल सकते हैं जिस फ़ोन नंबर पर आपने चलाना है, यानी कि जिस फ़ोन नंबर पर आपने साइन अप करा लिया है। तो आप वहाँ पर ये डालेंगे, तो वहाँ पर आपने डालने के बाद में ओके कर देना है, तो ऑटोमेटिक उस पर्सन के पास वो शेयर हो जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसके फ़ोन में डायरेक्ट चलने लगेगा। सिंपल ये मेथड है कि आप किस तरीके से डायरेक्ट किसी दूसरी जगह पे रहने वाले पर्सन को ये अपना शेयर दे सकते हैं। तो ये मेथड है। दूसरा मेथड यहाँ पर क्यूआर कोड का ही आ जाता है। तो आप ये क्यूआर कोड अगर उस पर्सन को सेंड भी कर देंगे या शो कर देंगे और वो अपनी एप्लीकेशन पर जाकर लॉग इन करके शेयर स्कैन जो स्कैनर है उसको स्कैन अगर कर लेता है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएगा। तो ये दोनों मेथड शेयर करने के मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि मोबाइल पे कैसे कनेक्ट करते हैं। एक वे से तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर मैं बाकी और भी तरीकों की बात करूँ तो वो भी बड़े इजी हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करना सीख गए हैं लेकिन आपको और दूसरे तरीकों से करना है, या जिसको ये तरीका समझ नहीं आ रहा है या हो नहीं रहा है, तो वो दूसरे तरीके से भी कर सकता है। मैं उसका भी बता देता हूँ। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर रिमूव डिवाइस मेरे को करना होगा, तो मैं रिमूव डिवाइस यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैमरा रिमूव हो चुका है। अभी मुझे कैमरे को रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि कैमरा मेरा वाईफाई पे ऑलरेडी डल चुका है। तो मैं एक बार रीसेट इसको कर देता हूँ। ठीक है, कैमरा अभी ये मेरा रीसेट हो गया है, फैक्ट्री डिफॉल्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी ये फिर से ऑन हो रहा है, तो मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ। एक बार कैमरा ऑन हो जाए और रेडी हो जाए कनेक्ट होने के लिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर।
ठीक है, तो ये वेलकम टू यूज़ यहाँ पर हो गया है। अभी हम मैं इसको प्लस के जो साइन है उस पर टैप करूँगा, ऐड डिवाइस करूँगा। ऐड डिवाइस करने के बाद में आप वाईफाई कैमरा पे जाएंगे, अगेन पेयर वाई एपी कनेक्शन पे जाएंगे। इसके बाद में आपने यहाँ पर कंफर्म दैट द इंडिकेटर डिवाइस इंडिकेटर फ्लैश स्लोली और देयर इज अ डिवाइस प्रॉम्प्ट ऑन, ये आपने क्लिक कर देना है, नेक्स्ट स्टेप कर देना है। यहाँ पर आपको शो होगा केयर एपी के नाम से ये अपना वाईफाई यहाँ पर आपको प्रेजेंट करेगा, तो आपने सेटअप वाईफाई पे जाना है। जाने के बाद में यहाँ पर आपको अभी शो हो जाएगा कैमरे का वाईफाई, जो कि कैमरे का वाईफाई का मतलब समझे आप कि कैमरा अपना एक वाईफाई जो है शो करता है, जो उसके लिए कनेक्ट करने के लिए रहता है, जो कुछ ही मीटर तक आपको शो हो सकता है, तो वहां पर आपने जाना है। ये एक्चुअली हॉटस्पॉट मोड है, इसने हॉटस्पॉट अपना दे दिया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो कि केयर एपी के नाम से स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है और शो कर रहा है नो डेटा कनेक्शन। ठीक है, अभी आपको जाना है अपनी ऐप पर वापस। यहाँ पर आपको एक वार्निंग मिलेगी जिसमें लिखा होगा द कैमराज डेट एंड टाइम इज इनकरेक्ट, डू यू वॉन्ट टू सिंक कैमरा विद योर फोन्स डेट एंड टाइम, तो ओके हमें यहाँ पर करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर कैमरा अभी ऑन करेंगे तो वो आपको चलता हुआ मिल जाएगा। तो याद रहे ये कैमरा अभी यहाँ पर पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ एपी मोड पर कनेक्ट हुआ है। अभी आपको इसको वाईफाई पे कनेक्ट करना होगा। कई लोग यहाँ पर ही गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि ये कैमरा कनेक्ट हो गया, ठीक है भाई ओके, फिर वो कहीं दूर जाते हैं तो वो कैमरा नहीं चलता, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है और इसको कनेक्ट करना वाईफाई से, उससे पहले इसको लीव करके ना जाएं। तो अभी मैं वाईफाई पे कनेक्ट कर देता हूँ, बैक करूँगा तो यहाँ पर मुझे कन्फिगर वाईफाई का ऑप्शन आएगा, ये आपने करना है। लेकिन इंश्योर कर लें कि आपका कैमरा एपी मोड पे चलता रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कैमरा वाईफाई से यहाँ से हट जाता है, यहाँ से हट जाता है और अपने होम वाईफाई पे चला जाता है, तो उस केस में वो ये चीज़ नहीं हो पाती, तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि कैमरा एपी करंट एपी नेम केयर समथिंग ये होना चाहिए। उसके बाद में कन्फिगर वाईफाई पे आप जाएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आपका जो वाईफाई होगा उसका नाम शो हो जाएगा। शो होने के बाद में अगर शो नहीं होता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये रिफ्रेश का ऑप्शन है यहाँ पर, ये आप इससे रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं आपका वाईफाई का नाम प्रेजेंट हो सकता है कि ना हो रहा हो तो हो जाए। अब आपको अपने वाईफाई को सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर उसका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड श्योर कर लें कि पासवर्ड बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो मैंने अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर कैमरा कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ सेकंड का आपको। तो यहाँ पर ओके का आपको एक टोन सुनाई दे दी होगी, ठीक है ओके होने के बाद में, लेकिन यहाँ पर कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई अगेन पर जा सकते हैं। तो आपको ट्राई अगेन पे जाने के बाद में केयर एपी को वापस से कनेक्ट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरे यहाँ पर ऑप्शन में आया था कि कैमरा नॉट कनेक्टेड या कनेक्शन लॉस्ट बताया था, लेकिन अभी मैं अगर यहाँ पर इसको चेक कर रहा हूँ तो ये वाईफाई पे कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ हो जाए, तो आप एक बार उसको कंफर्म कर लें कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं, तभी दोबारा से आप इसको ट्राई करें। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कैमरा वाईफाई पे कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई पे ये मेरे अपने होम वाईफाई से कनेक्ट है, तो ये ऑनलाइन आ गया है, इस तरीके से ये ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको एक बार फिर से रिमूव कर देते हैं। थर्ड जो मेथड है उससे हम करके देख लेते हैं थर्ड मेथड पे किस तरीके से होता है। उससे पहले हमें कैमरे को फिर से रीसेट करना पड़ेगा यहाँ पर जा करके। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर फिर से रीसेट कर दिया है। अभी हम इसको वापस से ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे कि कैमरा जो है वो एक बार वेलकम टू यूज़ यहाँ पर हमें आवाज़ आए कैमरे में से वेलकम टू यूज़, तो ये हम अभी वेट कर लेंगे। उससे पहले कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्यों ठीक है आ गया है ये साउंड, उससे पहले कोशिश ना करें कनेक्ट करने की, क्योंकि फिर कैमरा कनेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, वेलकम टू यूज़ यहाँ पर शो हो गया। अब यहाँ पर प्लस के साइन पर जाएंगे, ऐड डिवाइस पर जाएंगे, वाईफाई कैमरा पे जाएंगे। अब हमें थर्ड जो स्टेप है उस स्टेप से हमें करके देख लेना है, सर्च इन लैन करके देख लेते हैं कि ये स्टेप कैसा रहेगा। सर्च इन लैन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर नो डिवाइस फाउंड हो रहा है, सर्च अगेन कर लेंगे तो यहाँ पर फिर से जो है नो डिवाइस फाउंड हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये डिवाइस नो फाउंड क्यों हो रहा है। ये एक्चुअली तब काम करेगा जब आपका कैमरा ऑलरेडी आपके वाईफाई से कनेक्ट है और उसके बाद आप ये ऑप्शन करेंगे। सपोज आपने एक फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है तो आप दूसरे फ़ोन से करना चाहते हो तो सर्च इन लैन में जाएंगे, ऑलरेडी आपको कनेक्टेड अगर रहेगा तो कैमरा सर्च इन लैन तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन जो मैंने बताए ये बेहतर हैं कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको इस पेयर बाय क्यूआर कोड वाले ऑप्शन से फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर दिखाऊंगा कि ये पीसी में कैसे कनेक्ट होता है।